नीमच में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा द्वारा आगामी त्यौहार दीपावली का पर्व आने वाला है उसी को लेकर कमल चौक स्थित नवेद्य न्यूट्रीडाल पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में करीब 80,000 रुपये मूल्य का एक्सपायरी ड्राई फ्रूट ट्रेंचिंग ग्राउंड में जलवा कर नष्ट कराया गया और करीब 3,40,000 का मूल्य का माल दुकान में ही शटडाउन कर सील किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि पिछले दिवाली 2019 का ड्राई फ्रूट्स एक्सपायर हो चुका था, उसी ड्राई फ्रूट को नई पैकिंग कर इस दीपावली पर बेचने की तैयारी चल रही थी। जब हमने कार्रवाई की तो बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स पैक करने की मशीन, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स जिसमें मुख्य रूप से काजू, बादाम, पिस्ता, मखाने और कई अन्य प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो कि 2019 के थे, सभी एक्सपायरी डेट के हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑनलाइन कंपनी अमेज़ॉन के नाम की भी यहाँ पर टेप मिली और यह ग्राहकों को अमेज़ॉन पर ऑनलाइन बुकिंग कर एक्सपायरी ड्राई फ्रूट्स ग्राहकों को भेजते थे, जिसमें चेकिंग के दौरान अमेज़ॉन ड्राई फ्रूट्स का एक ऑनलाइन पैकेट जब खोला गया उसमें बड़ी मात्रा में नवेद्य न्यूट्रीडाल के हाई फ्रूट्स रखे हुए थे। प्रोपराइटर अभिषेक बंसल ने कहा कि हमारे परिवार में सभी लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे, इस कारण हम लोग एक्सपायरी डेट का माल नष्ट नहीं कर पाए। आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए आज न्यूट्रीडाल फूड्स के ऊपर जांच की गई थी और जिनका ट्रेड नेम जो है वो नैवेद्य है। यहाँ पे जांच के दौरान ये पाया गया अंदर कमरे के अंदर कि काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जिसमें ड्राई फ्रूट्स मुख्यतः जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रखे हुए थे और जिनकी बेस्ट बिफोर तारीख निकल चुकी थी। काउंटिंग करने के पश्चात वो एक्सपायर्ड ड्राई फ्रूट्स करीबन 80,000 लगभग मूल्य के निकले, जिसमें बादाम, किशमिश, अखरोट और अन्य जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी मिले हैं वहाँ पे। उन सभी को अभी हम लोगों ने नष्ट करवा दिया है। इनकी स्वीकृति से नगर पालिका की गाड़ी से बुला के और पुलिस बल की उपस्थिति में ट्रेंचिंग ग्राउंड में अभी नष्ट कराया जा रहा है उसको। और इनके द्वारा जो नैवेद्य ब्रांड नेम के तहत जो रीपैक किया जा रहा था उसका ना तो यहाँ पर कोई लाइसेंस मिला है ना ही कोई पंजीयन मिला है। हालांकि न्यूट्रीडाल फूड्स के नाम से इन्होंने रिटेल और होलसेल का लाइसेंस लिया हुआ था जो कि एक छोटा पंजीयन करा रखा है इन्होंने। इनका ये कहना है कि हमारा टर्नओवर कम है इसलिए हमने ऐसा लिया है, इसलिए इनकी दुकान अभी छोड़ी गई है, जिससे ये अगर कोई अन्य प्रोडक्ट्स को रिटेल करना चाहें जो दूसरों के द्वारा निर्मित किए गए हैं उसको ये कर सकते हैं अपनी दुकान से। लेकिन अंदर क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ड्राई फ्रूट्स बल्क मात्रा में खरीद रखे थे जिसकी मदद से ये रीपैक करते हैं अपने उसमें, इसलिए सारा माल अंदर लगभग करीबन 3,40,000 रुपये का माल जो है उसको अंदर अभी सील बंद कर दिया गया है और अंदर के कमरे को अभी शटडाउन कर दिया गया है, जिससे ये नैवेद्य या न्यूट्रीडाल फूड्स के नाम से अभी उसको रीपैक ना कर सकें। और जब ये लाइसेंस उसका ले लेते हैं न्यूट्रीडाल फूड्स के नाम से तो जो खाद्य सामग्री अंदर अच्छी सामग्री रखी हुई है उसको ये भविष्य में रीपैक कर पाएंगे। अभी तक के लिए उसको शटडाउन कर दिया गया है और लगभग वो 3,40,000 रुपये मूल्य के ड्राई फ्रूट्स हैं। कितने का माल नष्ट कराया गया इसमें? आज करीबन 80,000 रुपये का माल तो नष्ट किया गया है और एक यहाँ से प्रकरण बनाने के लिए अभी एक नमूना लिया गया है जो इनके द्वारा पैक किया जा रहा था। इसका प्रकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में पंजीवृत किया जाएगा और इसकी नोटशीट भी कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत। सर इसमें 10 देखा जा रहा है दीपावली के समय का जो माल था बाहर शोरूम के अंदर पाया गया, 2019 की पैकिंग थी, एक्सपायरी हो चुका 6 महीने पहले, ऐसे में कोरोना का मालिक द्वारा कहा जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ एक तरीके से खिलवाड़ था, एक्सपायरी मटेरियल बेचा जा रहा था। ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि आज मौके पर यहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से लोगों के साथ में इस कोरोना काल में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक्सपायर्ड ड्राई फ्रूट जो अंदर मौजूद हैं उन्हीं को अपने ब्रांड नेम के अंदर जिनकी तारीखें निकल चुकी हैं उसी के पैकेट खोल के उन ड्राई फ्रूट्स को नए पैकेट में नैवेद्य और न्यूट्रीडाल फूड्स के नाम से विक्रय किया जा रहा है, क्योंकि आम जनता के साथ में एक धोखाधड़ी और चीटिंग है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इनके ऊपर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा और कलेक्टर महोदय को इनकी नोटशीट प्रस्तावित कर आगामी कार्रवाई इनके ऊपर प्रस्तावित की जाएगी। कितनी तरह के ब्रांड के सामान थे लगभग अप्रोक्स? यहाँ पे काफ़ी प्रकार के आइटम्स थे, लेकिन मैक्सिमम आइटम्स उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी देखने के लिए मिले जो कि अभी कोरोना काल के अंदर जो बहुत उपयोगी हैं, वो तक जो है इस तरीके से इल्लीगल तरीके से उनको पैक किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे अमेज़ॉन के टैब भी मिले हैं, हालांकि इन्होंने बताया कि अमेज़ॉन के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, हालांकि अभी तक रजिस्टर्ड दिखा नहीं पाए, लेकिन जो अमेज़ॉन के पैकेट के अंदर भी जो खाद्य सामग्री रखी थी ना तो उनके ऊपर कोई तारीख थी, हो सकता है वो भी वो एक्सपायर्ड के अंदर ही बेचे जा रहे हों। तो ये गंभीर लापरवाही है, इसकी कड़ी से कड़ा इनका प्रकरण तैयार करके
और इनको सर अमेजन ब्रांड कंपनी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तो ड्राई फ्रूट को सस्ता मिलता है, तो एक बड़ा गोर धंधा किया है, बड़ी हो सकता है क्योंकि अमेजोन के द्वारा जो है काफ़ी रिटेलर्स को और जो खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी मौका दिया गया है, लेकिन इस बात की गुणवत्ता भी उन लोगों को ये देखनी चाहिए कि सस्ते के चक्कर में लोग कहीं इस तरीके के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये एक सामने मामला जो आया है कि इसमें हो सकता है कि एक्सपायर्ड ही खाद्य पदार्थ मंगाए जा रहे हों कम रेट में और उन्हीं को अच्छी पैकिंग के अंदर पैक करके बेचा जा रहा हो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रेट्स में ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं वो जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पर देखते हैं तो उनमें कभी 50% डिस्काउंट कभी 40% डिस्काउंट भी देखा जाता है, और इस तरीके की धोखाधड़ी को भी हम लोग संज्ञान में लेके और अन्य जो भी इस तरीके की पैकिंग कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त। नीमच से दीपक अदाबे की रिपोर्ट।